जब से अग्निपथ योजना लॉन्च हुई है तब से ही इस योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में अराजकता हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में रेलवे समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार लगातार युवाओं को इस योजना और इसके फायदे समझाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने युवाओं के आक्रोश को देखते हुए इस योजना में कई बदलाव भी किए हैं। इसी सब के बीच महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीरों को महिंद्रा ग्रुप में काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर हो रही हिंसक घटनाओं पर भी दुख जताया। उद्योगपति आनंद ने लिखा कि महिंद्रा ग्रुप ऐसे केपेबल यूथ यानी कि केपेबल युवाओं की भर्ती के अवसर का स्वागत करता है। आपको बता दें कि महिंद्रा ग्रुप भारत के सक्सेसफुल बिजनेस कंपनीज में से एक है। ये ग्रुप कई ऑपरेशंस जैसे कि एरोस्पेस, निर्माण उपकरण, रक्षा, ऊर्जा, कृषि उपकरण आदि पर काम करता है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार इस कंपनी में 40,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। दरअसल भारत सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की है, जिसमें देश के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। इस योजना के ऐलान के बाद से ही देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कीम में पेंशन खत्म कर दी गई है, वहीं सर्विस को सिर्फ 4 साल तक ही सीमित कर दिया गया है, जो ठीक नहीं है। सेना में जाने के इच्छुक छात्रों का सवाल है कि वे 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो करेंगे क्या। अग्निपथ योजना से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।